दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्नातक पार्ट टू 19 से 22 का जो सेशन है यहाँ पे देख सकते हैं 1957 स्टूडेंट को पास किया गया, 1488 स्टूडेंट को प्रमोट किया गया और इसमें वैसे भी विद्यार्थी हैं जिन्हें एबसेंट भी किया गया, एग्ज़ाम देने के बावजूद भी 40 को फेल किया गया है। तो चलिए VC क्या कहते हैं और एग्ज़ाम कंट्रोलर क्या कहते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको दी जाएगी, उनका बयान को हम इस वीडियो के माध्यम से सुनाने का प्रयास करेंगे, लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए उनका बयान को सुनाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं 1488 स्टूडेंटों को प्रमोट किया गया, 1957 स्टूडेंट पास हुए हैं। तो यहां VC का क्या कहना था आपने सुन लिया, अब हम एग्जाम कंट्रोलर की बयान को आपके साथ में हम साझा करने जा रहे हैं, तो उनका भी बयान को सुन लीजिए, उसके बाद आप निर्णय लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म लिंक दे दूंगा, उस फॉर्म को भर करके यूनिवर्सिटी जाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो चलिए VC की तो बात आपने सुन लिया, अब हम बात सुनाते हैं एग्जाम कंट्रोलर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी का ही ना तो हमारा ढंग से कॉपी चेक होता है। आप बताइए, कॉपी नहीं ढंग से सुनिए, हम आप एक एक चीज जवाब नहीं देता हूँ। कॉपी जो चेक नहीं होता है, हमने खुद देखा है रिक्रूटिंग में, तो हम इस बार क्या किए हैं, कॉपी जांच होगी। जो टीचर फेल कर रहा है कॉपी का, वो फेल कॉपी आप अलग रखे पहले आप, ठीक है। दूसरा टीचर है ना, हम इससे फिर करेंगे, देखो तो यार फेल कहीं पास होने वाला है कि नहीं, ठीक है। जो टीचर कॉपी देख लेगा उसका सिग्नेचर नहीं, मुहर पड़ेगा नाम का पूरा, कहीं गड़बड़ी हुआ इसको हम पहले पनिशमेंट करेंगे, समझ रहे। तो दोस्तों आपने सुनने का प्रयास किया, दोनों के बयान को मैंने सुनाने का प्रयास किया। वैसे तो जो एग्जाम कंट्रोलर का जो बयान था ओल्ड बयान था, जो कि हमारे ही यूट्यूब चैनल पे वो प्रकाशित किया गया था लाइव के माध्यम से, ठीक है। उसी को हम यहाँ पे आपके साथ में रखने का प्रयास करें, जिससे आपको समझने में यह आसानी हो सके कि एग्ज़ाम कंट्रोलर क्या बोल रहे हैं, कि जो स्टूडेंट को प्रमोट या फेल किया जाता है उनका जो टीचर जो है दोबारा उसे चेक करेगा, देखेगा, सिग्नेचर नहीं मुहर लगेगा उनके नाम के ऊपर, इस तरीके का उन्होंने बोला था। तो दोस्तों आप लोग क्या चाहते हो, आप लोग चाहते हो कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो सही तरीके से हो सके, दोबारा कॉपी को चेक किया जा सके, तो आप लोगों को यूनिवर्सिटी जाना होगा, यूनिवर्सिटी जाने के लिए एक डेट बनाना होगा, उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, उस फॉर्म को आप भर लीजिएगा और हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यदि उस फॉर्म को भरते हैं तो हम लोग यूनिवर्सिटी जाने का प्रयास करेंगे और आप लोगों की जो मांगे हैं उसे वहाँ पर रखने का प्रयास किया जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं 1488 स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि कितने स्टूडेंट फॉर्म को भरते हैं, कितने स्टूडेंट यूनिवर्सिटी जाने का प्रयास करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस बयान को सुनने के बाद, देखने के बाद आपको समझ में आ गया कि क्या आपको करना है, क्या कुछ करना है, जो भी कुछ करना है उस निर्णय आपको लेना है, यूनिवर्सिटी जाना है या फिर ऐसे ही आप अपना समय व्यतीत कीजिएगा, जो भी कुछ करना है आप जरूर निर्णय लीजिएगा, लेकिन मेरा कहना है कि उस फॉर्म को भरिए, यूनिवर्सिटी चलने का प्रयास कीजिए। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ में।